शादी के कुछ दिन बाद ही इंदिरा और फिरोज के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, खासकर जब राजीव और संजय पैदा हुए। उसके बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ने लगी। इंदिरा और फिरोज के बीच तनातनी तब शुरू हुई जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़ पिता के घर इलाहाबाद आ गई, साल 1955। और इसी साल इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी बनी थी। लेकिन जब फिरोज ने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो दोनों के रिश्तों में दरार और बढ़ गई। इस बीच धीरे धीरे फिरोज गांधी की एक छवि विसल ब्लोअर की बन गई और वे विपक्ष के खासे करीब हो गए, लेकिन वो नेहरू परिवार से जुड़े रहे। बार्टिल फाल्क अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज ने पत्नी इंदिरा की तानाशाही प्रवृत्ति को पहले ही पहचान लिया था और वो इसे कहने से भी नहीं चुके। वाकया साल 1959 का है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि केरल में चुनी हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उस दौरान इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी और सरकार में उन्हीं का दबदबा था। चर्चा के दौरान इंदिरा की किसी बात पर फिरोज को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंदिरा को फांसीवादी तक कह डाला। और खास बात तो ये कि उस चर्चा के दौरान खुद जवाहरलाल नेहरू वहीं मौजूद थे। इसके बाद कहा जाता है कि दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। 8 सितंबर 1960 को फिरोज ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके मरने के बाद इंदिरा गांधी को तानाशाह कहने वाली बात सच साबित हुई। 1975 में इंदिरा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान इंदिरा का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें नेता समेत आम नागरिक भी शामिल थे। और पूरे देश में सरकार की मनमानी के चलते हाहाकार मच गया। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, जिसे काले दिन के रूप में आज भी याद किया जाता है। ये पूरा वाक्या फिरोज गांधी की बहुचर्चित जीवनी फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लेखक बार्टिल फाल्क ने किया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।